हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आर्ट डेमी। ये गणेश जी तंजोर पेंटिंग का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में आज हम गोल्ड फॉइल किस तरह से लगाई जाती है ये सीखेंगे। तो व्यूवर्स, पहले हम गिल्डिंग ग्लू पैलेट में ले लेंगे और इसे धीरे धीरे ब्रश की सहायता से जहाँ पर हमें गोल्ड फॉइल लगानी है वहाँ पर इसे अप्लाई करना शुरू करेंगे। इसमें हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसकी जो आउटलाइन है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्लू हमें लगाना है उस पार्ट पे, क्योंकि जहाँ पर ग्लू लगेगा वहीं पर गोल्ड फॉइल चिपकेगी, उसके बाहर भी नहीं। और अगर हमने ये आउटलाइन प्रॉपरली नहीं लगाई तो गोल्ड फॉइल वहाँ पर नहीं लगेगी। व्यूवर्स देखिए, ये जो गोल्ड फॉइल है ये बहुत ही डेलिकेट होती है, तो इसे बहुत ही सावधानी से हमें उस पर चिपकाना है। जब ये गोल्ड फॉइल ग्लू पर लग जाएगी उसके बाद इसे बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे उस पर प्रेस करना है ताकि वो गोल्ड फॉइल उस ग्लू पार्ट पे चिपक जाए। हमें गोल्ड फॉइल से पूरे पार्ट को अच्छी तरह से कवर करना है, कोई भी ब्लॉक या कोना छूटना नहीं चाहिए। एक साथ पूरे बोर्ड पर या पूरे पेंटिंग पर ग्लू अप्लाई मत कीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स डिसाइड करके ग्लू लगाते जाइए और उस पर गोल्ड फॉइल चिपकाते जाइए। एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा टाइम लगता है सूखने के लिए, कम से कम 5 से 10 मिनट आपको रुकना है, उसके बाद ही आपको गोल्ड फॉइल निकालना है, एक्स्ट्रा गोल्ड फॉइल। और यहाँ मैंने सॉफ्ट ब्रश यूज़ किया है जिससे मैं इसको प्रॉपरली उस पर ग्लू पे चिपका रही हूँ। हो सकता है कि आपकी उंगलियों पे ग्लू लगा हुआ हो और वो गोल्ड फॉइल आपकी उंगली में चिपक के फिर से आ जाएगा, इसलिए उसे रहने दीजिए। आफ्टर 10 मिनट्स आप देखेंगे कि वो सूख गया है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा गोल्ड फॉइल निकालना शुरू करेंगे। गोल्ड फॉइल लगाने के लिए हम पूरी सरफेस पे ग्लू लगाकर गोल्ड फॉइल चिपकाकर उसे छोड़ दें, कम से कम आधा घंटा छोड़ दें, और एक साथ ही अगर एक्स्ट्रा गोल्ड फॉइल निकाली जाए तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। देखिए व्यूवर्स, ये वीडियो मैं स्पेशली गोल्ड फॉइल वाला अलग से बना रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि ये गोल्ड फॉइल लगाना बहुत टफ होता है, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही आता है। तो आप अगर आज पहली बार पेंटिंग बना रहे हैं और गोल्ड फॉइल चिपका रहे हैं तो ये मेरी एडवाइस होगी कि आप पहले इसे किसी छोटे अदर बोर्ड पे चिपका कर थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए और उसके बाद आपके मेन पेंटिंग पे आप गोल्ड फॉइल लगाना स्टार्ट कीजिए। मैंने यहाँ पर गोल्ड फॉइल लगाने की हर टेक्निक और बारीकी इस वीडियो में कवर की है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। देखिए, पूरे बोर्ड पर मैंने ग्लू अप्लाई करके गोल्ड फॉइल को प्रॉपरली पेस्ट कर दिया था और कम से कम आधा घंटा मैं रुकी हूँ, और फिर जब मैंने चेक किया तो ये पूरी तरह से सूख गई थी। और फिर सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से मैं अब एक्स्ट्रा गोल्ड फॉइल को निकाल रही हूँ। इसमें आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ही हल्के हाथ से हमें ये गोल्ड फॉइल निकालना है, नहीं तो वो जो गोल्ड फॉइल जहाँ पर पेस्ट हुई है वो भी इसके साथ निकल सकती है। अगर एक दिन इसको छोड़ दें और दूसरे दिन निकालें तो उसके रिजल्ट्स और अच्छे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ग्लू ज़्यादा लगा हो, वो ना सूखा हो, तो उसके ऊपर से गोल्ड फॉइल निकल जाएगी। अभी मैं इसको पूरी तरह से क्लीन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जो एक्स्ट्रा गोल्ड फॉइल है वो ही निकाल रही हूँ। मैंने प्लान करके रखा है कि नेक्स्ट डे ही मैं इसको फिनिशिंग दूंगी और प्रॉपरली गोल्ड फॉइल जो एक्स्ट्रा लगी हुई है वो मैं नेक्स्ट डे ही निकालूंगी, आज नहीं निकालूंगी, ताकि जो अगर कोई कहीं पर ग्लू सूखा नहीं है तो वो गोल्ड फॉइल बाहर ना आ जाए।
इस एक्स्ट्रा गोल्ड लीफ को आप किसी कंटेनर में सिक्योर कर लें। अगर आप कोई दूसरा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते हैं तो उसमें इस गोल्ड लीफ के टुकड़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैंने बहुत से अदर वीडियोस भी बनाए हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, जिसमें मैंने गोल्ड लीफ यूज़ की है, तो आप जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं जहाँ पर गोल्ड फॉइल का बहुत अलग तरह से यूज़ हुआ है। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और देखें कि इसके रिज़ल्ट्स कितने अच्छे आए हैं। बहुत ही सावधानी से मैंने ग्लू को लगाया है, जिसके कारण ये बहुत ही, इसका आउटपुट बहुत अच्छा आने वाला है। कल देखिए, आज ये मैंने पूरा इसका जो एक्स्ट्रा और गोल्ड फॉइल लगा हुआ था वो पूरी तरह से मैंने निकाल दिया है और बहुत ही फिनिश्ड लुक इस गणपति जी का, जो कि तंजोर आर्ट पेंटिंग बनने वाली है, आया है। तो इस तरह से आप भी लगाइए। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी पा पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो।